नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम इंसाइट में अशोक व्यास में बात प्रारंभ करने से पहले, आप कई बार चर्चा सुन चुके होंगे, भारत में कुछ राज्यों विशेष करके पहले 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, फिर 5वें राज्य के भी आ गए। क्या परिणाम रहे और उन परिणामों के अंदर जब आप ये देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो उसका क्या अर्थ होता है? जो परिणाम आए हैं वो क्यों आए हैं और क्या है दरअसल, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम तन्मय जी हैं, जयेश व्यास जी हैं, और आप दोनों का भारत से प्रेम है, भारत में विराजमान आप हैं। और जयेश जी से हम बात शुरू करेंगे। जयेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में गुजरात से एक प्रकार से पार्टी का पक्ष भी रखते हैं, तो पहले बताइए परिणाम आशातीत है, आशा से अधिक अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, क्या आपका रिएक्शन? जो परिणाम के पहले हम जब बात करते हैं तो बहुपरिमाणीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यतः हमारे नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी एवं अमित शाह जी एवं सर्व कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो कार्य किया है, और मूलतः हमारी ये इलेक्शन में हम बोलते कहते आए हैं और पुराने समय में भी कहता है, मगर एक वर्ड लेके आए, शब्द लेके आए कि गारंटी मोदी जी देते हैं। तो जो बात हमने की है सालों तक, जो नरेंद्र भाई जब गुजरात में रहे, गुजरात से दिल्ली गए और दिल्ली में भी जो बताया, जो कहा वो किया, और जो कहा वो किया, तो मन वचन एवं कर्म तीनों जब साथ में चलते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा का वहन सहज बन जाता है। जहां पर स्पष्टता होती है, पारदर्शिता होती है, विचारों की स्पष्टता होती है कि हमें कौन से दिशाओं में जाना है, और उनके वो दिशा में जाते वक्त पूर्ण ऊर्जा से 100% लेके हम चलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग एक हैं, सभी लोगों के लिए जो सुविधा दी जानी चाहिए वो हम करते आए और करते रहे। हम प्रतिपक्ष की बात बाद में करेंगे, प्रतिपक्ष की बात हम बाद में करना चाहेंगे, मगर ये जरूर से कहना चाहेंगे कि जो पक्ष में नेतृत्व में और कर्तृत्व में एकता होती है और वही चीज जब वक्तृत्व में आती है तो तीनों मिलके जब बात बनती है तो उनकी एक असर, एक आभा, एक ओरा एक पूरे राष्ट्र में बनती है। तो हम कहते हैं कि नरेंद्र भाई कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग काम कर रहे हैं, मगर साथ में हम जरूर से ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता की जो आकांक्षा है, उनमें जो आवश्यकता लगती थी और भारत की मूलतः स्वभाव है, जिनको हम चिति कहते हैं, वो मूल स्वभाव के अनुसार जब कार्य बनता है तो उनमें आने वाला एक उन्मेष, नया नव उन्मेष जिनको हम बोलते हैं, वो भारतीय जनता में आज दिख रहा है और उनका परिणाम हम देखते हैं कि वो मत पेटियों में चलता है और साथ में जाके नए विकास की ओर हमारा चलता है। हमारे लिए विकास न केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास है, हमारे लिए विकास जरूर से रोल। जी, एक मिनट, हम जारी रखते हैं बात को। मैं सोचा प्रेम जी से भी उनकी जो प्रथम प्रतिक्रिया है इन परिणामों के बारे में, और मोटा मोटी अगर नंबर में ठीक ठीक बता रहा हूँ प्रेम जी, तो राजस्थान में 115 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है, 70 के लगभग कांग्रेस की मुख्य वहां पर ये देखा जाए, मध्य प्रदेश में 165-168 भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो मध्य प्रदेश में आशा से कहीं अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और छत्तीसगढ़ में जो 55-54 सीटें प्राप्त हुई वो भी एक प्रकार से कई लोगों को अपेक्षा नहीं थी ऐसी, तो आप क्या सोचते हैं ये परिणाम आपकी आशा के अनुरूप थे, क्या मुख्य कारण आपको लगता है इसका? धन्यवाद व्यास जी, और जय जी आपका भी स्वागत है, और बातचीत बहुत एक जरूरी विषय को आपने चुना है, डिकोड करना है चुनाव को, तो ये निसंदेह जो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सोच वाले व्यक्ति के लिए तो आश्चर्यजनक नहीं थे, लेकिन ये और लोगों के लिए चौंकाने वाले थे, खास तौर से जब आप एनालिसिस देख रहे होंगे, विश्लेषण, तो कई लोगों ने एकदम से अलग अलग बातें कहनी शुरू कर दी और लोगों में ये भ्रम पैदा होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरह फिर कहीं धोखा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और
एक वजह मैं उसकी ये भी मानता हूँ, आपको पता है कि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेचता है और बहुत सारी चीजें अगर मुफ्त देनी शुरू करे तो उपभोक्ता को डाउट हो जाता है कि यार इसका माल खराब होगा निश्चित रूप से। जब आप इतनी मुफ्त की चीजें बांटने लगते हैं तो पब्लिक ये समझ गई कि ये इतना मुफ्त मुफ्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम होगी। और इस गारंटी के बीच में जब मोदी की गारंटी आ गई कि मैं और तो कुछ नहीं कहता लेकिन मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा, इसकी गारंटी है, मुफ्त देने की कोई गारंटी नहीं ली उन्होंने, तो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात जो आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत लोग ये सोच रहे थे कि चुनाव परिणाम जो रिजल्ट आया है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़े कम होंगे, या हो सकता है कि लोग मुख्यमंत्री की एक ही एक चेहरे को देखते देखते परेशान हो जाएं और सोचे कुछ नया सामने आए। लेकिन इन्होंने पॉलिसी ऐसी खेली कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा ही नहीं, इन्होंने केवल मोदी जी का चेहरा सामने रखा। और मोदी वो चेहरा है जिसको जितनी बार पढ़ो आपको नया पढ़ने को मिलता है, ये चेहरा पुराना नहीं प्रेमी होता। और जय जी, मोदी जी के चेहरे को आप तक सीधे सीधे पहुंचाता हूं, फिर हम बात जारी रखते हैं। साथियों, बिल्कुल, चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितैषी होती है, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने वाली होती। तो बीजेपी की सरकार जो है वो नए अवसर युवाओं के लिए बनाती है, ये गारंटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो उस गारंटी का असर चुनाव के परिणामों में दिखाई दे रहा है। हम अगर व्यवस्थित रखने की दृष्टि से, आप दोनों की अनुमति से, एक एक राज्य की तरफ चलें, जैसे कि छत्तीसगढ़ पर सीधे सीधे चलते हैं क्योंकि वहां अपेक्षा से कहीं अधिक जो सफलता बीजेपी को मिली है उसके पीछे जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उनका और महादेव ऐप का और वो जो एक पूरा घोटाले वाला संदर्भ रहा, जय जी आपको क्या लगता है वो कारगर सिद्ध हुआ होगा मतदाताओं के निर्णय में, या अन्य बातें भी आपको लगता है छत्तीसगढ़ में काम करी है? एक बात होती है छत्तीसगढ़ राज्य की, जब जहां तक बात करते हैं वहां की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार था, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ उठना बैठना वो भी समाज में और प्रजातंत्र में प्रजा के लोगों तक मतलब वो भी बात पहुंचती थी। और तीसरी चीज थी एक निरंकुश अहंकार कि हमको कोई हटा नहीं सकता, ये बात भी मुखर होकर जन समाज में जनांचल तक, जन समाज में भी और निचले जो कोई भी गांव के स्तर तक ये बात पहुंच गई थी। उनके सामने केंद्रीय योजनाओं में माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कभी किसी से भी कोई प्रकार की देखा जाए तो कोई राग द्वेष नहीं रखा। जो भी योजनाएं थी वो उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, जैसे आरोग्य के लिए हम लोग अभी भारत में 5 लाख की सामने 10 लाख रुपीज का एक व्यवस्थापन कर दिया गया है,
सभी योजनाओं, महिलाओं की योजना, बच्चों की योजना, युवाओं की योजना, स्वरोजगार की योजना, वो सब योजनाएं छत्तीसगढ़ के जिलों में, तहसीलों में पहुंच रही थी। लोग ठीक से और ढंग से समझते हैं कि ये कौन कर रहा है। और आज मैं स्पष्ट रूप से ये भी साथ में कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी राज्य में हमारी जीत हो, हर जगह पर लोग केवल और केवल भारतीय जनमानस में सिर्फ केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग वोट करते हैं, ऐसा माहौल आज नहीं रहा है। ठीक है, अपनी व्यवस्था है, दरिद्र नारायण है, उनकी उनकी भी उत्कर्ष होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक योजना है वो तो पहुंचती ही है, लेकिन साथ साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो अपने आप के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करता है। और उनका जो आवाज की जो ये भूमि की भूमिका को, ये भूमिका मूलतः स्वभाव है, वही भूमिका को जो निभा रहा है वो नेतृत्व, तो उनका एक असर, उनकी एक इको हर जन हृदय में पहुंचती है। वो एक बहुत बड़ी बात है जो विपक्ष और सिर्फ निरीक्षक लोग जिनको बोलते हैं, वो लोग ये समझने में काफी लंबे अरसे से विफल भी रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ विफल नहीं रहे, साथ में वो सोचते भी होंगे, मगर कभी हो जाता है ना अशोक साहब और प्रेम साहब की एक बार वो जो बात को पकड़ लिए हो तो मेरी बात वो सही होनी चाहिए, तो वहां से बहुत मुश्किल होता है कि निकल कर वापिस आना। जय जी, जो आपने बात कही उसको भी हम थोड़ा और स्पष्ट रूप से प्रेम जी से समझने की कोशिश करेंगे, जिसका संबंध सीधा सीधा यह है कि मोदी जी की गारंटी चल रही है, पर मैं इसको फिर से थोड़ा बारीकी से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के परिवेश से, प्रेम जी, और ये जो बात है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता या ग्लोबल लीडर या जो भी हो, पर जो स्वार्थ परक न भी हो मतदाता, पर उसको ये तो देखना है कि मेरे हित की दृष्टि से कौन सी दल या कौन सा नेता कारगर सिद्ध होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि बाकी के चेहरे अर्थहीन से हो गए, यानी मोदी जी का चेहरा जो है वही चल रहा है। ये प्रजातांत्रिक दृष्टि से हितकर है कि नहीं, उस पर बात नहीं हम करेंगे, पर आप बताएं छत्तीसगढ़ में और क्या बात आपको अलग लगती है प्रेम जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तो उनको ये पता लग गया कि ये जो सरकार है, जो भी उस वक्त जो चल रही थी, वो लोग एक तो भ्रष्ट हैं, उनकी छवि जो है वो साफ नहीं थी पब्लिक में, और धीरे धीरे उनको ये पता लगने लगा था कि इन लोगों से जिन जिन कारणों से हमने इनको जिता करके लेकर आए, ये वो सब काम नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा तुष्टिकरण सबसे बड़ा, और फिर आदिवासियों के लिए इनकी कोई कोई कन्फर्म, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसी कोई इनकी नीतियां भी स्पष्ट नहीं थी कि जो आदिवासियों के लिए काम करती हूँ। और मोदी जी ने जैसा ये कहा कि मेरे पास में जाति वाति नहीं है, गरीबी एक जाति है, गरीबी को एक जाति माना उन्होंने, और इससे उनका इतना लाभ हुआ, इन्होंने जातिगत फायदा जो लेकर के और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हम तो जो है ये जातिगत जनगणना करवा रहे हैं और उसमें ये पता लगेगा कि कौन लोग जो है कितने हैं और कितने परसेंट उनको लाभ दिया जाना चाहिए। आप देखिए, इनकी योजना बहुत खराब थी, जैसा कि हम तो आज तक आरक्षण भी भुगत रहे हैं देश को, ये उसकी योजना और ज्यादा जो है उसको फैलाने की थी कि आदिवासियों को बांट दें और फिर जातियों के अंदर कर दें। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये समझ आ गया कि इससे कोई लाभ नहीं मिलना है, ये जातिगत बांट देंगे लोगों को, और जो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, जैसा जय जी कह रहे थे कि इनके लिए ये बिल्कुल ये बात नहीं थी कि भाई जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मदद नहीं पहुंचानी है, बायस कहीं नहीं थे, इनको लगता था पब्लिक तो भारत की है, लगता था तो उनके लिए काम करना है। आप देखिए, अभी अभी जो जो ये जो तूफान आया है उसके लिए मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आपको जिस चीज की जरूरत हो आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। तो वो हर स्टेट के लिए एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है वो पब्लिक, मैं तो भारत के लिए सोच रहा हूँ, भारत की पब्लिक तो भारत की है, तो जो ये थॉट उनके दिमाग में आ गया है। जी, तो जैसे जय जी वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास भी उसमें जोड़ा है उन्होंने, उसको लेते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा चुनाव में जिसकी बात कहते हैं, तो ऐसा लगता था भाई शिवराज सिंह चौहान तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संभवतः अब अगर वो फिर से बनते हैं तो 5वीं बार हो जाएगा, तो क्या बात रही कि उसको बीजेपी ऑफसेट करने में सफल रही।
और दूसरा जैसा प्रेम जी पहले बता रहे थे मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे नहीं किया गया, ये रणनीति ठीक है कि नहीं ठीक है विधानसभा के चुनाव में मतदाता के हित की दृष्टि से, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता ही एक प्रकार से आपको लुभा रहा है, तो जो स्थानीय नेता है उनका कद छोटा हो जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मध्य प्रदेश के परिणाम के बारे में और भी कोई बात जो आपके मन में। अशोक जी आप किससे पूछ रहे हैं? मैं जय जी से। अशोक जी, प्रेम जी ने भी सही बताया, आपने भी पूरा जो विश्लेषण हम लोग आज कर रहे हैं, तो हम इनको विश्लेषण नहीं कह सकते, आकलन भी नहीं कह सकते, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि समग्रता के हिसाब से ये चीजों को हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी क्या हो जाता है, विश्लेषक जो होते हैं ना वो अलग तरीके से होते हैं। आज हम तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो समग्रता के रूप से कॉम्प्रिहेंसिव इनकी क्या इम्पेक्ट हो रही है वो हम देख रहे हैं जी। तो बहुत अच्छी बात हो रही है। एक बात है कि मध्य प्रदेश में कार्य बहुत सारे हुए, जो योजनाएं की क्रियान्वयन हुआ, योजना धरातल पर उतरी है सालों से, वो सही तरीके से उतरी है जी। स्थानीय नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्णतः, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी इलेक्शन में देखा जाए, राष्ट्र के कोई भी इलाके में इलेक्शन हो, चाहे वेस्ट बंगाल में, तो हम लोग, मैं बार बार जाता हूँ, राजस्थान में भी जाते हैं, तो कोई भी कार्यकर्ता का कोई ये जरूरी नहीं होता है कि उनका ज्येष्ठ मतलब कौन सा बड़ा है, कोई मिनिस्टर है कि नहीं है। जब इलेक्शन का दौर चलता है सब कार्यकर्ता रहते हैं, तो वो सब लोग आते हैं। एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को इतनी गाली दी है कि इनकी कोई सीमा न रही, और उनका जो इम्पेक्ट मतदारों में हुआ है कि जो आप क्यों इतना गलत बोल रहे हो कि जो सालों तक मध्य प्रदेश में इतना ढंग से अच्छे से कार्य करने जा रहे हैं, जैसे शिवराज से आज सीएम के तौर पे है, तो उनको वो मामा के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, महिला हो वंचित हो किसी के साथ भी उनका जो नाता रहा है और धरातल से जुड़े हुए नाता रहा है। ये यहाँ कोई कन्वीनियंट जनेऊधारी लोग नहीं आते हैं, यहाँ पे जो आते हैं वो जैसे है वैसे है, वो दिखते हैं सिंपल से है और लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। तो पहले जो राजवंशीय परंपरा आज इतना पक्का हो गया है कि किसी को ढंग से अच्छी नहीं लगती। आप अचानक पास आते हैं। हाँ जी, मैं प्रेम जी के पास एक बात जोड़ के जाना चाहता हूँ, जिसमें जब कांग्रेस एनडीए के जो उनके इंडिया के दल में उस स्टालिन जब उस प्रकार की बात करते हैं कि सनातन धर्म डेंगू उसको समाप्त करना वगैरह, और कांग्रेस के किसी नेता का उसके प्रति कठोर प्रतिवाद जैसा कुछ वचन भी नहीं आता है, और मध्य प्रदेश में अब जो राम मंदिर भी बनने वाला है और वो सारी बातें भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के साथ जुड़ी होंगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी जैसी छवि लेकर आई है। हालांकि उसको तोड़ने की कोशिश मुझे लगता है कमलनाथ जी ने की, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पास भी गए और कुछ मंदिरों में भी शायद गए इत्यादि। आपको क्या लगता है, मोटा मोटी ये भी कहीं एक फैक्टर रहा है क्या चुनाव परिणामों में? देखिए व्यास जी, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट जानता हूँ कि धीरे धीरे भारत की जनता को ये समझ आने लगा है। आप अगर ग्लोबल दृष्टि से भी देखें तो अगर आप ये कहेंगे कि क्रिश्चियन देश कौन है, मुस्लिम देश कौन है, इस्लामिक कंट्रीज, तो आपको पता लगता है कि अगर हम बड़ी दृष्टि में या अगर यूं अगर ब्रॉडली सोचना शुरू करें तो लोग तुरंत इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। भारत को ये समझ आने लगा अब कि अगर नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हैं हम, आपको पता है कि पुराने जमाने में भी नेशनल इंटीग्रेशन का काम शंकराचार्य जी ने किया। अगर दक्षिण और उत्तर का अगर किसी ने जोड़ा तो शंकराचार्य जी ने जोड़ा, और चाहे किसी की सरकार रही हो, कोई लोग रहे हो, किसी ने किसी का शासन रहा हो, रामेश्वरम जाता है हिंदू और वहां का आदमी राम मंदिर के लिए अयोध्या आता है या काशी आता है। आप ये सोचिए नेशनल इंटीग्रेशन में सनातन धर्म ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अगर ये बात क्लिक करा देता है कोई तो ये कार्य भी अंडरकरंट के रूप में
ये मोदी जी के द्वारा होता दिखाई देता रहा है। एक मुख्य बात यह है कि जो शिवराज जी की सरकार है उन्होंने आचार्य शंकर जी को आगे रखते हुए एकात्मक यात्रा निकाली और 108 फुट की उनकी बड़ी प्रतिमा भी वहां पर है और वो उनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहे। फिर भी अन्य बातों को लेते हुए दो राज्यों की बात और करना चाहते हैं जल्दी जल्दी। तो जय जी, पहले हम तेलंगाना चलते हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की जो बढ़त रही है वर्तमान जो दल है उससे आगे, उसके पीछे क्या फैक्टर आप देखते हैं? क्या ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है? और ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जो परफॉर्मेंस रहा, वैसे तो 1 से 8 सीट तक पहुंचने का मतलब हुआ कि कुछ अच्छा उनके लिए हुआ है, पर ओवरऑल आपका विश्लेषण संक्षेप में तेलंगाना के बारे में। बिल्कुल आप सही हो, जो परिणाम है वो परिणाम है और वो राज्य से कोई इतनी अपेक्षा भी भारतीय जनता पार्टी को वो समय में भी हम सब जानते कि नहीं थी। तो जो जितनी भी सीट आई है हमारे पास 8, वो भी सीट एक अच्छा सा एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक शुरुआत हुई है। दूसरा कि वहां पर लोकल इंटी इनकम्बेंसी बोल सकते हैं वहां के लोगों के साथ में, और स्थानीय दल के सामने चलते हुए कोई राष्ट्रीय दल के प्रति झुकाव रहा है ये भी हम कह सकते हैं, पर मूलतः वहां की लोकल एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं। और हम तो फिर से बार बार कहते हैं कि सनातन धारा में जो राष्ट्र के लिए कार्य हो रहा है आज के दौर में, वो न केवल भारत के लिए पूरे विश्व के लिए आज यहाँ पर एक नजर है कि जो अपने हितों की बात अपनी ही बात करते करते वक्त जो सहम जाते थे हमारे राजनीतिज्ञ कहने वाले कांग्रेसी एक समय में कि हम हिंदू है, हम धर्म से हिंदू है, राम की बात करने में शर्म आती थी, आज ये पूरे जोश से आ रही है। मैं उनका बहुत सूक्ष्म स्तर से ये बात को कहना चाहता हूं कि ये केवल व्यवस्थाओं का कोई बदलाव नहीं है, ये अवस्था का बदलाव है कि जो हमारे चित्त की स्थिति है उनमें कोई ग्रंथि होती है, हमने अपने अपने आप प्रति जो लघुता ग्रंथि क्रिएट की गई थी, जैसे सरदार साहब को न्याय किया गया, कई राष्ट्र के बहुत बड़े लीडर्स को जिनने ये आहुति दी राष्ट्र के लिए, ये सभी का सम्मान हो रहा है नरेंद्र भाई के कालखंड में और इनसे प्रजा जुड़ी हुई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रजा को नतमस्तक होकर कि प्रजा में जो अंदर की घुटन सी थी वो आज घुटन बाहर निकल गई और उनको जो चैतन्य चाहे था वो अग्नि प्रज्वलित हुआ है और जो धूम्र शेर थी वो धीरे धीरे छट रही है। जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा भी बोलते भी है, चिंतन भी आपका ऐसा है जो हमें प्रेरित भी करता है। जैसे व्यवस्था और अवस्था और ये प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो राजनीतिक मंच से दर्शन के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य बात करता है तो वो एक अलग स्तर पर चेतना चली जाती है। पर मैं फिर से जो धरती पर आ रहा हूँ, प्रेम जी, तेलंगाना का जो परिणाम है उसमें आप क्या पढ़ते हैं? देखिए मैं आपको बिल्कुल जो है ना डिकोड करता हूँ एक तरीके से कि तेलंगाना में जो मुस्लिम एकीकरण हो रहा था, ओबीसी को या किसी मुस्लिम अगर जो पार्टी है उसको अगर सारे मुसलमान मिलकर के भी वोट दें तो ये अब मुसलमानों को समझ आने लगा है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे और सरकार में उनका कोई खास रोल नहीं रहेगा। तो उन्होंने मिलकर के ये तय किया कि चाहे कोई ऐसी, चाहे वो पार्टी कोई भी हो जो कि थोड़ा हमारे बारे में सोचती हो तो हम उनके साथ में चले जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। तो ये सारा एकीकरण कर्नाटक में भी हुआ, ऐसा कैसा तेलंगाना में हुआ? तो मैं फिर से प्रेमी क्षमा चाहता हूँ। तो इन दोनों बातों से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि और अधिक प्रो मुस्लिम पार्टी के रूप में उभर रही हो ऐसा लगता है। पर अभी फिलहाल हम बहुत संक्षेप में राजस्थान की तरफ चलते हैं और चलने से पहले जय जी दो बातें मैं अपनी तरफ से निवेदन करूं। एक, कुछ स्थितियां ऐसी रही कि राजस्थान में ऐसा भाव बना कि अशोक गहलोत जी की सरकार थी वो अपीजमेंट की पॉलिसी को बहुत अधिक अपना रही थी। प्रेम जी से इस पे कमेंट में चाहूंगा राजस्थान से इसलिए। पर दूसरी बात ये थी कि कुछ घोटाले भी उनके समय में हुए, चाहे वो पेपर लीक घोटाला हुआ हो, चाहे जो राज्य स्तर पर चयन करने वाली संस्था है वहां पर रहा हो वगैरह,
ओवरऑल देखिए भैया जी, आपकी बात में समझ गया हूँ जी जी। तो आपने मोदी जी के भाषण में लाल डायरी का जिक्र कई जगहों पर सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भ्रष्टाचार है और दूसरा जो फैक्टर वहां पर तुष्टिकरण है, इन दो चीजों को वहां की जनता ने अच्छी तरह से नोटिस किया इस दौरान। और कितने कितने काम जो है उन्होंने इनको तुष्टिकरण के लिए किए, ये पब्लिक को डायरेक्ट समझ में आने लगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के दिमाग की जनता राजस्थान की है। पिछली बार जो इलेक्शन की हार हुई थी उसका कारण भी इनका अंतर कलह ही रहा होगा। और आज देखिए, आज भी परिस्थितियां वो ऐसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दबाव डाला जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाए जिसकी वजह से पिछली बार सरकार हारी थी। आपको पता हो वो नारा चला था कि मोदी जी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। राइट राइट। तो अब आप देखिए वो फिर वही स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि पूरा विस्तार में जाने का समय नहीं है, मैं सिर्फ अंतिम बात जो है जय जी से पूछ रहा हूँ और बहुत संक्षेप में 30 सेकंड एक मिनट में आप बताइए कि ये जो परिणाम है इसका 2024 के राष्ट्रीय चुनाव पर क्या असर होता है, आपको देखते हैं क्या इंडिकेशन आपको समझ में आ रहे। हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे उषा काल होता है ना, तो उषा काल ये राष्ट्र का एक शुरू हो चुका है। और परिवर्तन जब होता है तो परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई मुख्यतः जो चीज है वो चीज ये है कि मूल स्वभाव भारत का है, उनके आगे चलते हुए कार्य करते हैं। चाहे जनवरी में 22-4 जनवरी में रामलला का मंदिर समर्पित किया जाएगा, जनता जनार्दन दर्शन करने के हेतु आ सकेगी। देखिए आप इतनी जगह पे कि हिंदू समाज, बहुल हिंदू समाज जिनका ये राष्ट्र रहा, कोई ये चीज में मना नहीं कर सकता कि राष्ट्र पर 1000 सालों से आक्रांताओं ने अपनी आतंक मचाने में कोई बात, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो मैं ये जरूर से करूंगा कि सनातन की धारा की बात की जाएगी और वो हिसाब से 2024 में मैं पक्का मानता हूँ, हम लोग सब मानते हैं और जनता मानती, इसलिए हम मानते हैं कि पूर्ण बहुमती से इनसे भी ज्यादा सीटों लेकर हम लोग वापिस आएंगे। अंक बताइए आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं ये पूर्ण बहुमत जब कह रहे हैं तो। मैं हम ये एंटिसिपेट कर सकता हूँ आज का आंकड़ा है उनसे ज्यादा रहेगा जी। प्रेम जी आप। हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि निसंदेह इस बार के लोकसभा चुनाव का परिणाम वो फिर जो है बहुत चौंकाने वाला होगा। और वो चौंकाने वाला ये होगा कि जो सोच नहीं सकते उस अंकों तक पहुंचने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती है। और मैं समापन करते करते आप दोनों की उपस्थिति में एक ऐसा शब्द ला रहा हूँ जो राहुल गांधी जी ने बहुत अधिक प्रचलित किया, पर अभी वो घूमकर उन्हीं के पास ट्विटर से और जा रहा है, पनौती कौन है इसके बारे में जो चर्चा हो रही है वो भी इस चुनाव परिणाम को डीकोड करने। नहीं, एक शेर बता देता हूं उनके पहले जी। देखो ये इतनी प्रक्रिया, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखने को राजी नहीं है और वो लोग उर्दू जबान अच्छी से समझते हैं, ज्यादा समझ अच्छे से समझते हैं, इसलिए बोलेंगे कि सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। वो इन तरह से किसी को चीज को मानते नहीं है तो इनको ये समर्पित करते हैं। काफी अच्छा जगह पे लगा, पर उनको समझ में आएगी नहीं मुझे पता नहीं प्रेम जी। लेकिन जयसी और प्रेम जी आप दोनों का धन्यवाद है, और जो इस परिणाम को लेकर उत्साहित है हम भी उनके साथ उत्साहित है। और आने वाले समय में जो भारत की प्रगति की आस्था और अधिक बढ़ रही है वो फलीभूत हो ऐसी हमारी कामना भी है और विश्वास भी है। आप दोनों का धन्यवाद है। और भारत आपको भी धन्यवाद। $1 trillion हो गई है, ये भी बात बड़ा उत्साह बढ़ाने वाली है। नहीं, सही विषय चयन करने के लिए आपका धन्यवाद अशोक जी, प्रेम जी आपका धन्यवाद। इन दोनों के धन्यवाद के साथ आपका बहुत बहुत आभार है हमारे साथ देने के लिए।